सर मैं सब कुछ त्याग करके हिमालय पर जा रहा हूँ, सर वहाँ से बाबा बन के लौटेंगे, कम से कम हमारी जय जय करो तो होगी, कम से कम हमारी जय जयकार तो होगी, सर क्या आप भी मेरे साथ में चल रहे हो क्या भी? पर दोनों रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, वहां चल के दोनों रीजनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। रुक जाओ, सॉल्व करवा दें फिर तुम्हें आंसर देते हैं। रुक जाओ, यहां पर सर अब इसकी भी टांग खींचो। अच्छा, ये इसकी खींची गई थी ना अभी थोड़ी देर पहले, तो ये कह रहा सर इसकी भी टांग खींचो। देखो एक बात बताओ, जब तुमने बोला कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पर जा रहा हूं, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहे हो, तो अगर तुम मुझे भी साथ में लेके जाओगे तो सबकी नजर में गलत एक वो नहीं जाएगा कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के इसको लेके क्यों चला गया? क्या ये इसके लिए ही सब कुछ छोड़ छाड़ के गया है? तो हम लोग के बीच में थोड़ा सा रिश्ता वैसा हो जाएगा ना, सब लोग गलत सोचेंगे, ये लोग क्या मतलब वहाँ चले गए अलग, और समझ रहे हो मैं, अकेले जाओ तो ज्यादा सही है, हमें नहीं जाना। किरण प्रजापति कह रहे हैं सर धमी फीमेल कैसे? बेटा क्या है कि अभी अपने यहाँ जो है ना, अपने रीति रिवाज में क्या होता है कि जैसे मतलब मेरी सास का बेटा, तो अगर ये बेटा है और इसकी सास है, तो इसकी सास का अगर ये बेटा है तो इसको फिर फीमेल ही होना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये प्लस हो जाएगा तो फिर वही जैसे ये हमें ले जा रहा है हिमालय, तो वो चीज गलत अभी अपने आप है ना। तो उस हिसाब से अगर देखो मेरी सास का बेटा, तो मेरी सास का बेटा मतलब मेरा पति, तो मतलब मैं पत्नी, तो वो फीमेल हो जाएगी, ठीक है।